चाहती हूं, जो हमने अभी ध्यान किया, कोई भी ध्यान जो होता है वो हम कहते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ध्यान जो है हम करते नहीं हैं, ध्यान अपने आप घटता है। हम जो सारी चीजें कर रहे हैं वो ध्यान की प्रक्रिया कर रहे हैं, एक तरह से हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, अपने पात्र की सफाई कर रहे हैं ताकि जो जगह हो वो खाली हो और ध्यान घटे। और वो ध्यान जरूरी नहीं है कि जब हम ध्यान में बैठे रहते हैं, ध्यान की प्रक्रिया वो इस तरह से है जैसे इसको हम कान बोलते हैं, इस चीज को, ये इसका कान से एक्चुअली कोई लेना देना नहीं, हमको इससे सुनाई नहीं देता। अगर इस पार्ट को काट के हटा दिया जाए तो भी हमको सुनाई देगा, लेकिन हम कान इसी को बोलते हैं जनरली। उसी तरीके से हम जो प्रक्रियाएं कर रहे हैं, है ना, तरह तरह की के ध्यान कर रहे हैं, वो ध्यान नहीं है, वही वो ऊपरी हिस्सा है उसका। तो हम ये सब जो भी चीजें कर रहे हैं, प्रक्रियाएं कर रहे हैं, वो अपने पात्र की सफाई के लिए कर रहे हैं कि हम इस लायक बने कि ध्यान इसमें घटे। क्योंकि गंदगी में जो कचरा हमारे अंदर भरा हुआ है, बहुत सारे विचारों का और विकारों का, विचार और विकार, ये जो चीजें हमारे अंदर भरी हुई हैं, इस कारण हमारा पात्र इतनी शुद्धि में नहीं है जिसमें ध्यान की एंट्री हो सके, तो हम जगह खाली करते हैं। और मेरे अनुभव में ध्यान टुकड़ों में भी घटा है। वैसे ओशो कहते हैं कि ध्यान जब घटता है तो पूरा ही घटता है, तो वो जिस ध्यान घटने की बात करते हैं वो शायद परमानंद की स्थिति होती होगी, जिसको मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन आनंद, आप थोड़ा थोड़ा भी जब खाली करना शुरू करते हो, पात्र को थोड़ा सा सफाई करते हो, तो आनंद टपकता है, कुछ बूंदे जरूर मिलती है भले ही सागर ना आए। तो वो जो सफाई की प्रक्रिया है वो हम ये सब कर रहे हैं। उसमें मैं आपको बताऊं कि हम जब कोई भी प्रक्रिया, जैसे नादभ्रम में हम हुंकार किया, उसके बाद बैठा, फिर मुद्रा स्पंदन जो मैंने आपको बताया था, उसमें ऐसे ऐसे करके जब हम लोग बहुत देर करके बैठते हैं, तो वो तो किए प्रक्रिया की हमारे अंदर से थोड़ा सा वाइब्रेशंस हो और उन वाइब्रेशंस में हमारे विचार उड़ जाए, थोड़े से कम हो जाए। तो विचारों की कई लेयर होती हैं। एक होते हैं जो हमको कॉन्शियसली दिखाई देते हैं, जो अभी से संबंधित आसपास की जो हमारे विचार चलते हैं कि क्या करना है, नहीं करना है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये क्या हुआ था, वो क्या हुआ था, पहले किया था तो ऐसे नहीं हुआ था, तो ये जो है एकदम एकदम पास के विचार है जो हमको दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ विचार जब हम ध्यान के बाद गहरी प्रक्रिया के बाद बैठते हैं, जैसे नादभ्रम के बाद हम बैठे, एग्जॉशन के बाद बैठे, बहुत देर अपने आप को भस्त्रिका के बाद जब बैठेंगे, तो कुछ देर तक हमको लगता है कि हमारे विचार बिल्कुल चल नहीं रहे। जब हमको ये लगे कि हम तो एकदम शून्य हो गए, हमारे अंदर विचार चल नहीं रहे, उस टाइम अपने और अंदर जाना है। विचार उस टाइम भी चल रहे होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में जाना होता है। उस दिन गौरव जी कह रहे थे कि हम ध्यान करते हैं उसके बाद निर्विचार हो जाते हैं, पूरे कोई ध्यान नहीं आता, ऐसा नहीं होता है। अगर वो निर्विचार वाली स्थिति इतनी देर तक सच में आए तो फिर हो गया, फिर हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर तो हो गया, घट गया। लेकिन होता क्या है, हमको जो कुछ विचार हमको दिखाई देते हैं, कुछ विचार हमको और अंदर जाने पर दिखाई देते हैं कि वो चल रहे हैं, वो नींद जैसी अवस्था, जैसे सपने होते हैं ना, उस तरह से बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, जिसका आप कहोगे जब अंदर जाओगे देखोगे, अरे क्या चल रहा है, इसका कोई हमारी जिंदगी से भी शायद लेना देना ना हो, एकदम अलगर बलगर विचार चलते हैं, बिना मतलब के, कोई बिना कनेक्शन के, और वो चलते रहते हैं अंदर। जब आप उनको भी देखना शुरू करोगे तब धीरे धीरे वो भी खत्म होना शुरू करेंगे, वो जो सबकॉन्शियस माइंड में जो कचरा है उसको भी हमको देख के, जैसे जब आप देखना शुरू करोगे तो वो गायब हो जाएंगे। फिर थोड़ी सी आप अनकॉन्शियस हो गए,
फिर वो चलना शुरू हो जाएंगे, फिर आप देखना शुरू करोगे तो वो गायब हो जाएंगे। तो उसके अंदर भी घुसने की कोशिश करना है, हमको निश्चिंत नहीं हो जाना है कि अभी तो हमारे विचार नहीं चल रहे, हम निर्विचार हैं, उसके अंदर भी विचार है, उसके अंदर भी घुसने की कोशिश करना है। तो हमें अपने अंदर एकदम ध्यान से, जब हम शांत बैठे तो एकदम निश्चिंत नहीं हो जाए कि अब तो हम शांत बैठना है, हमको अभी कुछ करना नहीं है, हमको शरीर से कुछ नहीं करना है, हमको मन से भी कुछ नहीं करना है, हमको विचारों से भी कुछ नहीं करना है, हमको होश से जरूर करना है कि हमको होश बनाए रखना है। कुछ लोग हम लोग कभी कभी इतने निश्चिंत हो जाते हैं कि नींद भी आती है, और उस टाइम नींद पकड़ेगी, जब आप बहुत ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड को देखने की कोशिश करोगे तो नींद पकड़ेगी, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम उसको देखें होश में, तो वो हमको नींद दिलाता है। तो उस नींद में जागने की कोशिश करना है, उस नींद को गायब करने की कोशिश करना है। धीरे धीरे हमको अपने अंदर घुसने की कोशिश करना है। जितना हम अपने अंदर घुसते जाएंगे उतना ही हम कचड़े को बाहर करते जाएंगे, और कचरा बाहर होते जाएगा तो विकार भी अपने आप ही ढीले पड़ते जाएंगे। तो एक लेयर कम करना भी मुश्किल होता है विचारों का, उसके अंदर भी लेयर है, इसीलिए समय लग जाता है हमको, हम कहते हैं कुछ घट नहीं रहा है। तो जब बुद्धा को इतने साल लग गए, उसका कारण भी तो यही था कि हो सकता है कि उनके विचारों का, उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया तो उनके विकार तो कम हो गए, लेकिन जो अंदर के सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे लेयर्स जो जमा थे उनको घटते 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 टाइम लगा होगा, जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं तो उनके समय में गई नहीं, उनके साथ एक्चुअली क्या घटा मैंने देखा नहीं, जो अपने अनुभव से मुझे समझ में आ रहा है कि जब मेरा एक लेयर, जब मुझे लगता है कि अब शांत हो गया, तब मैं और अंदर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उसके अंदर और ज्यादा गंदा वाला कचरा है, जो काई कहते ना एकदम चिपका हुआ, जिसको हटाना भी बहुत मुश्किल होता है, वैसा एकदम रहता है, लेकिन वो भी छटता है, छटेगा धीरे धीरे, जब हम उसको देखना शुरू करेंगे तो उसका भी कचरा साफ होगा। तो हमको मौन में भी निश्चिंत नहीं होना है कि बस अब तो सो जाओ आराम से, नहीं, जगे रहना है, अपने आप को जगा के रखना है। जब मौन सुलाए उस टाइम अपने आप को कॉन्शियस रखना है कि नहीं, हमको सोना नहीं है, और ना हमको सपनों वाली निद्रा में जाना है। उस टाइम बहुत सारे हलुसिनेशंस भी घटेंगे, उस टाइम ऐसा भी लगेगा कि आप हवा में उड़ रहे हो, उस टाइम ऐसा भी लग सकता है, वो जो कलर वगैरह ये सब जो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं ना, वो सब उसी अवस्था में दिखाई देते हैं, और उसका ध्यान की प्रगति से लेना देना नहीं है। उसका आपको ये बहुत नहीं सोचना है कि हमको बहुत कुछ प्राप्ति हो गई अगर हमको कलर दिखाई दे गया, या प्रकाश दिखाई दे गया, या हमको भगवान जी कोई दिखाई दे गए, वो सब सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारे भरा हुआ है वही सब बाहर आते हैं। एनर्जी के लेवल जब चेंज होते हैं तो हमको प्रकाश दिखाई देता है, जब एनर्जी के लेवल चेंज होते हैं तो हमको अंदर जगह जगह पे वाइब्रेशंस दिखाई होती हैं। तो वो सिर्फ जैसे हवा चलती है तो कुछ 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 आपको लगता है कि पर्दा हिल रहा है, तो वो कोई चमत्कार तो है नहीं। उसी तरह से अंदर की दुनिया में जब हवा चलती है, एनर्जी इधर उधर होती है, तो बहुत सारे अनुभव होते हैं और हमको लगता है हमारे अंदर बहुत सारे चमत्कार घट रहे हैं, हम बहुत खुश होते हैं कि बस अब तो भगवान बने हम। कुछ नहीं, हमने आज तक अपने अंदर झांका नहीं था इसलिए हमको पता नहीं चला था। अपने अंदर बहुत सारी चीजें, अंदर की हवा चलेगी उसमें भी हलचल होगी तो बहुत सारी चीजें दिखाई देगी, उसको कोई चमत्कार नहीं मानना है, उसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना है कि ये, और हमको तो इतने अनुभव, सबको शांति से लेना है। जब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, जब तक हमारे अंदर एक शांति की जो परत है वो चढ़ी नहीं रहती है पूरे दिन पूरे समय में, तब तक हमको नहीं मानना है कि कुछ भी हमारे अंदर एक्चुअली घटा है या फिर हमारे अंदर कुछ चेंजेस होने शुरू हुए। धीरे धीरे जितना शोर की परते हैं उससे उसी तरह से शांति की लेयर्स धीरे धीरे हमारे अंदर बननी शुरू होंगी, जिससे हमारे अंदर बाहर हलचल भी होगी ना तो वो शांति की लेयर अंदर नहीं पहुंचने देगी। तो जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं वो पतली लेयर जो है वो थोड़ी थोड़ी गहरी होती जाएगी शांति की, और वो हमारे अंदर अभी इतनी पतली है कि अभी तो हम ध्यान किए और अभी थोड़ी देर में अभी हमको कोई अगर एक्साइट कर देगा तो लेयर फूट के अंदर चली जाएगी चीज। लेकिन धीरे धीरे ऐसी भी
सिचुएशन आएगी, अगर हम बहुत कॉन्शियसली होकर ध्यान में बैठेंगे, ध्यान की प्रक्रिया करेंगे, तो वो लेयर इतनी मोटी होगी कि आसानी से टूटेगी नहीं, और टूट भी जाए तो टक्कर टक्कर लगेगी और फिर वापस चले जाएगी, वो भीतर तक हमको परेशान नहीं करेगी। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ इस बारे में और कोई बात करनी है? कुछ मेरी बातें समझ में आई? मैं कुछ कहना चाहती हूँ, एक्चुअली अंदर की चीजें समझाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसका कोई मैं बहुत अच्छा लग होस नहीं दे सकती हूँ कुछ भी। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? अच्छा लगा जो आपने बताया, बहुत अच्छा। सुखबीर सिंह बोल रहा हूँ। जी जी, तो आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा ये सारी, बहुत अच्छी बात। मैं समझा पाई हूँ कि मैं जो कहना चाहती हूँ, कुछ कुछ समझ में आया है? जी बिल्कुल आया, मैं बिल्कुल आया, समझ आया। हाँ मैडम, समझ में आ गया। कुशवाहा जी, आप सुन पा कलर, रहे थे? कलर तक तो हमारे एक्सपीरियंस ही है। कलर दिखाई देते हैं? हेलो, हाँ कलर दिखाई दिया, तक तो एक्सपीरियंस ही है। हरा, नीला और गुलाबी। अच्छा, तीन कलर। ओके, तो फिर उससे रिलेट हो रहा था, जैसे जैसे बोल रही थी उससे रिलेट हो रहा था। हाँ, मैं एक्चुअली इसकी बात नहीं करती हूँ कि जब 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 मेरे को कोई पूछता है कि हमको कलर दिखाई दिए, हमको प्रकाश दिखाई दिया, इसका क्या मतलब है, तो वो एक्चुअली सुनना ये चाहते हैं कि आपको कलर दिखाई दिए, भाई साहब आपका तो एग्जाम अब कल्याण ही होने लगा है, आप तो अंदर घुस गए। कुछ भी नहीं है वो कलर दिखाई देना एक्चुअली में। तो जब ये मैं उनको कहूंगी तो उनको डिमोरलाइज होगा, या कहेंगे कि ये तो कुछ नहीं जानती है, या ये भी समझेंगे कि कुछ, मैं पहले ही बोल देती हूँ कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ इसके बारे में, क्योंकि रियलिटी ये है कि वो कलर दिखाई देना, प्रकाश दिखाई देना, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हवा चलती है तो पर्दा हिलता है, गेट हिलता है, तो हम कहेंगे भूत आ गया। नहीं, कुछ नहीं, हवा चल रही है, वो नेचुरल है। तो वो भी अंदर भी कुछ चीजें हैं जो है, घट जो हवा चलती है तो हमको दिखाई देता है, तो वो कोई चमत्कार नहीं है, ना चमत्कार है, ना इसका ध्यान के बहुत प्रोग्रेस से कोई लेना देना है। बस हम अपने अंदर पहले कभी नहीं झांके, आप झांक के देखते हैं तो दिखाई देता है कि अच्छा ये सब चीजें भी है, और वो भी आपको कभी दिखाई देगा कभी नहीं देगा। तो आप जब उम्मीद करने लगोगे कि अरे मुझे पहले तो प्रकाश दिखाई देता था, अब क्यों नहीं दे रहा है, रंग दिखाई देता था, अब क्यों नहीं दे रहा है, जरूरी नहीं है हमेशा दिखाई दे, उसका कोई उसका हमारे ध्यान के प्रोग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। तो वो दिखाई दे तो एक्साइट नहीं होना है, दिखाई ना दे तो डिमोरलाइज नहीं होना है कि अब क्यों नहीं दिखाई दे रहा। जैसी जैसी हमारी एनर्जी शांत होते जाएगी, ये सब जो छुटपुट अनुभव है ये बढ़ेंगे नहीं, कम हो जाएंगे, और बड़े अनुभव होंगे, इतने गहरे होंगे, जो गहरे अनुभव होते हैं वो बताए ही नहीं जा सकते, मैं कोई कोशिश कर लूं बता नहीं सकती। तो मैं जो बातें करती हूँ वो छुटपुट बातें होती हैं, ऊपर की बातें होती हैं। कोई कुछ कहना चाह रहा है? तो आपको जब भी कोई शिकायत हो, कौन बोले? मैं आरसी शर्मा बोल रहा हूँ। मैम, हाँ सर बोलिए। मैं ये कह रहा था मैम जी, जो आप बता रही हैं, हाँ जी, ये कोई गुरु नहीं बताता, ये चीजें कोई गुरु नहीं बताता। मैं एक्चुअली गुरु नहीं हूँ इसीलिए मैं ये बात बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं गुरु होती तो फिर मुझे लगता कि मेरे तो छात्री छिटक जाएंगे, मैं कहूंगी कि भाई तुझे कुछ नहीं घट रहा है, कुछ नहीं हुआ, धीरे रंग दिखा कुछ नहीं हुआ, प्रकाश दिखा कुछ नहीं हुआ। गुरु होंगे कहेंगे अच्छा प्रकाश दिखा, अगर ये बड़ी दिखा तो इसका ये मतलब है, वो कलर दिखाई दिया तो उसका ये मतलब है, उसका वो मत, कितना भी मतलब जोड़ लो, जब तक हमारे जीवन में सुधार नहीं हुआ उसका कोई मतलब नहीं। तो मुझे अब इस बात का डर नहीं है कि आप मुझसे कुछ ले लेंगे, कल को गायब हो जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैं साधक हूँ इसलिए मैं बता सकती हूँ। अगर मैं गुरु होती तो मैं नहीं बता पाती, क्योंकि मुझे ये डर रहता कि मेरे शिष्य छिन जाएंगे मुझसे।
तो यहाँ तो शिष्य हूँ नहीं, मैं तो मित्र हूँ आप लोगों। बहुत बड़े हृदय की बात है मैम। और किसी के मन में कोई प्रश्न मैम? जी प्रश्न मैम, आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज, आरसी शर्मा सर बोल रहे हैं। जी 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 जी, आगे नाम के आगे क्या लिखा हुआ है? मैं MAT मैम, मथुरा, मथुरा में, मथुरा। ओ मथुरा, ओके ओके, इसमें आधा दिखाई दे रहा है इसलिए। हाँ बोलिए मैम। इसलिए लिखा मैंने कि किसी को पूछने की जरूरत न पड़े। सही है कि कौन कहां से, हम लोग कहां से जुड़े हुए हैं है? ये सबको पता लग जाए। जी ठीक ठीक। और मैं ये कह रहा था मैम कि आवाज आ रही है क्लियर? जी एकदम आ रही है, आ रही है। मैम आप बार बार कहती हैं मैं गुरु नहीं। जी मैं साधक हूं। जी मैं दूसरी बात कह रहा हूं। जी आप गुरु से ऊपर हैं, गुरु नहीं है, गुरु से ऊपर हैं। जो सोच आपकी है किसी गुरु में नहीं मिलती। इतने बड़े आध्यात्म जगत में मैंने नहीं देखा, बहुत जगह मैं भी गया हूं, मैंने कहीं ये सोच नहीं देखी। तो उससे मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि आप गुरु नहीं है, गुरु से ऊपर हैं। अच्छा आज मैं एक और बात आपसे बोलती हूँ, गुरु की जरूरत ही नहीं है। कि आपके मन में जो भाव है, आपके मन में जो भाव है वो बहुत अच्छे हैं। वो भाव आप अपने मन में रखिए मेरे लिए जो भी है। ये जो तारीफ करना होता है ये ठीक है, जब बच्चे होते हैं तो उनकी तारीफ करते हैं तो उनको प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन एक जगह ऐसी होती है जहां पे तारीफ करे तो हो सकता है ये डर भी है कि कहीं अहंकार ना घुस जाए।